तो स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा जो फाइव लेसन था इसमें हम आए थे एक्टिविटी 9. डू यू नो टेक्स्ट बुक में डू यू नो वाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज लिस्ट सम ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग एक्सरसाइज डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड शेयर देम विथ योर टीचर एंड अदर क्लासमेट्स. यहाँ पे कह रहा है कि डू यू नो वाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज, हमें फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत है भाई फिजिकल एक्सरसाइज की. यहाँ पे नीचे रीजन्स दिए है, देखो. फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फिजिकल एक्सरसाइज हमें फिट रखती है, हेल्दी रखती है एंड स्ट्रॉन्ग रखती है. इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, वो आपको ब्रेन को रिलैक्स करता है. इट्स कीप्स योर वेट डाउन, वो आपका जो वेट बढ़ गया हो तो वो कम करता है फिजिकल एक्सरसाइज. यू स्लीप बेटर, आप अच्छी नींद ले सकते हो. योर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, आपकी बॉडी इससे स्ट्रॉन्गर हो जाएगी एंड हेल्दियर हो जाएगी. यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, आपको इसमें से फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी दूसरे काम करने में. यू लुक इन गुड शेप, आप जो फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो शेप है, बॉडी का फिगर है, बहुत ही अच्छा रहेगा. यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने एंगर यानी गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे और नेगेटिव फीलिंग्स जो आती है वो कम हो जाएगी, कंट्रोल कर पाओगे. यू बिकेम पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके माइंड में कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं आएंगे. यू नेवर फॉल इल, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे जो आप फिजिकल एक्सरसाइज हर रोज करते रहोगे तो. नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट गुड हेल्थ एंड रेगुलर रूटीन हैव ए डीप कनेक्शन विथ ईच अदर, डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड फ्रेंड एंड ट्राई टू राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर आइडियल रूटीन टू रिमेन हेल्थी एंड मेंटेन ए हाइजेनिक बॉडी. नीचे आपको जो आपका रूटीन है हर रोज का एंड गुड हेल्थ रखने के लिए आप क्या क्या करते हो रूटीन में, हर रोज कैसे मेंटेन करते हो, सब यहाँ पे डिस्कस करके आप लिख सकते हो. ओके, खुद. नेक्स्ट है एक्टिविटी 10. यहाँ पे वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर चार्ट केयरफुली एंड से अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, इसको आपको मल्टीपल डे है, कोई पहला है तो कोई दूसरा है, वैसा है तो आपको इस पिक्चर को अरेंज करने का है सुबह से लेके शाम तक के जो रूटीन है एक्टिविटीज है वो. तो सबसे पहले ये पिक्चर में दिखाई देता है ना, तो इसको आपको अरेंज करने का है. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर है, अलार्म बज रही है, द अलार्म क्लॉक इज रिंगिंग. द बॉय गेट्स अप फ्रॉम हिज बेड, वो अपने बेड से उठा. फिर तीसरा आएगा ब्रशेस, यानी कि ब्रश करता है ना उठने के बाद, तो ही ब्रशेस हिज टीथ. नेक्स्ट में वो नहाने जाएगा. तो ही हैज ए बाथ, फिर बाद में स्कूल के जाने के लिए रेडी हो जाएगा कपड़े पहन के, तो ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल. नेक्स्ट है वो क्या करेगा, वो नाश्ता करेगा ना, तो ही हैज हिज ब्रेकफास्ट. ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है. ही स्टडीज एट स्कूल, स्टडी में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है स्कूल में. ही कम्स होम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापिस आ गया है.
ही वॉचेस टीवी, टीवी देख रहा है. ही डज हिज होमवर्क. ही गोज टू बेड. ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स है वो कंप्लीट है. इसके सेंटेंसेस आपको नीचे लिखने के आप अपने तरीके से. तो यहाँ पे नाउ राइट फॉर फोर और फाइव सेंटेंसेस अबाउट यू एंड योर फ्रेंड. नीचे आपको आपके फ्रेंड के बारे में और अपने बारे में लिखना है कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे नहाते हो, फिर ब्रेकफास्ट कब करते हो, वो सब यहाँ पे आपको अपना लिखना है और यहाँ पे अपने फ्रेंड जो भी है उसका लिखने का है. ओके, पता चला ना. यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई गेट अप एट 6 AM यानी कि मैं 6 बजे उठता हूँ. तो यहाँ पे सुरेश नाम है तो हम सुरेश लेते हो. आप अपने फ्रेंड्स का जो भी नाम है वो ले सकते हो. ओके, सुरेश गेट्स अप एट 5:30 AM तो 5:30 बजे उठता है और आप 6 बजे उठते हो. फिर आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM तो सुरेश का आएगा. और सुरेश हैज ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM वैसे आप अलग अलग लिख सकते हो. ओके, तो हमारा लेसन है वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा लेसन पूरा हुआ है. लेकिन अभी वर्कबुक में बाकी है तो बाद में हम वर्कबुक में देखेंगे. ओके, सो थैंक यू.